नमस्कार, लाइव टीवी समाचार में मैं ज्योति पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों से। मुंशीगंज रोड पर बसपा की बूथ कमेटी बैठक का आयोजन किया गया। मोहान विधानसभा क्षेत्र मुंशीगंज रोड MLG गेस्ट हाउस में बसपा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्य सेक्टर प्रभारी और MLC भीमराव अम्बेडकर ने सेक्टर और बूथ कमेटी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मालूम हो कि मुंशीगंज रोड MLG गेस्ट हाउस में बसपा मुख्य अतिथि सेक्टर प्रभारी और MLC भीमराव अम्बेडकर ने कमेटी सेक्टर और बूथ सेक्टर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम सभी माननीय काशीराम के बदौलत खड़े हुए हैं। बसपा का उत्तराधिकारी मायावती को घोषित किया था और आज हर कार्यकर्ता बहन मायावती के लिए आदेशों का पालन करता है। सभी बूथ कमेटियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मोहान विधानसभा प्रत्याशी विनय चौधरी को भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा भेजने का काम करें। जब राज्य में बसपा की सरकार होगी तभी गुंडों और माफियाओं से छुटकारा मिलेगा। 2003 में बसपा की सरकार की याद दिलाते हुए कहा कि जब बसपा की सरकार थी तब हर गरीब को न्याय मिलता था। आज बसपा सरकार में हर गरीब किसान का शोषण हो रहा है। भाजपा सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष मिथिलेश पंकज, रईस कुरैशी, रामबाबू कश्यप, अमरदीप मौर्या आदि बसपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए हसनगंज से संवाददाता सैफ सिद्दीकी की रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन लाइव टीवी समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें लाइव टीवी समाचार। हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और होते रहिए हर खबरों से रूबरू। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।